हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विश भी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, ओके, तो रेजोनेट हो जितना आप उतना ही रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडिक साइन के लिए है, मेल फीमेल के लिए है, मैरिड अनमैरिड के लिए है, तो आप कोई भी हो बट आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। इसमें आपके लिए गाइडेंस और इम्पोर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल आपके जो भी करंट पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकर हरिहरा का नाम वो क्या मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, प्लीज गाइड मी हरिहरा। यहां पर मुझे बहुत खूबसूरत ब्राइड नजर आई है, दुल्हन नजर आई है यहां पे, बहुत खूबसूरत। तो ये मुझे मैसेज आ रहा है कि मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर उनकी मैरिज को लेकर बड़े सोच विचार कर रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक बार में मुझे एक ब्राइड नजर आई है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपकी शादी को लेकर काफी ज्यादा विचार कर रहे हैं, या फिर आपकी शादी उनका एक बहुत स्ट्रांग टेंशन बना हुआ है अभी फिलहाल। टेंशन का, वो कहते हैं ना कि टेंशन का एक टॉपिक बना हुआ है कि आखिर आपकी शादी कहाँ होनी है, किसके साथ होनी है, ठीक है। या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली वाले, ठीक है, आपकी कहीं और सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ये मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं करेगा बट आपके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब टेंशन हो रहा है और वो लगातार उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से आपको आपके काउंटर पार्ट की अगर कहीं मैरिज होने वाली होती है या फिर कहीं मैरिज हो रही होती है, उनकी मैरिज की बात चल रही होती है, जैसे आपको ड्रीम्स में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, हो सकता है कि आपके काउंटर पार्ट को इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं उस वक्त ड्रीम्स में, तो ये बहुत ज्यादा मुझे हैरान परेशान से नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पहला मैसेज आया है, जिनसे भी रेजोनेट करता है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, राइट नाउ आप लोगों की जो एनर्जी आपके पार्टनर को मिल रही है वो कुछ ऐसी है कि आप रिलैक्स जोन पर हैं, ठीक है, रिलैक्स मोड पर हैं। आप मतलब बहुत ज्यादा परेशान नहीं है कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये चीज आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस कर पा रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं और आपकी मैरिज होनी है या फिर आपके पार्टनर की और मतलब जैसे जो दो लोग कनेक्शन में होते हैं तो वो कभी नहीं चाहते कि उनकी मैरिज किसी और के साथ हो, तो हमेशा हैरान परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर। बट इस चीज को लेकर आपके पार्टनर आपके अंदर कोई भी उस तरीके की छटपटाहट नहीं देख रहे हैं, तो इनके मन में और ज्यादा डर क्रिएट हो रखा है यहाँ पे कि मतलब आप शायद रेडी हैं करने के लिए या फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, शायद आप तैयार हो गए हैं, इस तरीके के मतलब बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। हो सकता है अभी आप शांत हो, कुछ कह नहीं रहे हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एग्री करते हो मैरिज से या फिर आप भी कहीं ना कहीं तैयार हो किसी और के साथ मैरिज करने के लिए, और ये चीज इस पर्सन को ना बहुत ज्यादा परेशान हैरान परेशान कर रही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्वान नजर आ रही है, बट वो मुझे एक स्वान नजर आ रही है और जैसे उसका रास्ता किसी ने ब्लॉक कर रखा है, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है गाइस, जैसे आपके जो पर्सन है वो अपना अपना काउंटर पार्ट आपको समझते हैं एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो मतलब उनका काउंटर पार्ट जो है
यानी कि उनका जो लविंग पार्टनर है वो उनसे छूट रहा है या फिर उसको किसी ने उनकी तरफ आने से रोक दिया है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त में कि आपको किसी ने रोक दिया है उनकी तरफ आने से, अब आप आ नहीं सकते उनकी तरफ, या फिर आपको वो दूर से जाते हुए देख रहे हैं। मतलब एक यहाँ पर सिंगल स्वान नजर आ रही है जो इस पर्सन को ऐसा महसूस करा रही है कि कोई उनका बहुत करीबी, बहुत खास उनसे छूट रहा है, उनसे दूर जा रहा है या हमेशा के लिए अलग हो रहा है। ऐसे डर आपके पार्टनर के मन में है, बहुत ही स्ट्रांग डर, बिलीव, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं गाइस, यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से। इस पर्सन की एनर्जी में मैं एक चीज फील कर पा रही हूँ जो मुझे एक छटपटाहट सी नजर आ रही है, ठीक है। मतलब ये मैंने कई बार बहुत सारे लोगों की कमेंट सेक्शन में जो एनर्जी पिक की है जब मैं किसी का कमेंट रीड करती हूँ कि वो छटपटाहट में रहते हैं मैम, उनके पार्टनर की कहीं पर मैरिज हो रही है या पेरेंट्स रिश्ते देख रहे हैं तो वो बहुत छटपटाहट में रहते हैं, ठीक है। उसकी मैरिज हो जाएगी क्या, ऐसा वैसा, उस तरीके की छटपटाहट मुझे इस एनर्जी में फील हो रही है। यहाँ पर यू लेटर है, यहाँ पर माँ काली का स्ट्रांग रोल नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ काली के बहुत स्ट्रांग डिवोटी हैं और आप सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उनसे लेते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उनसे लेते हैं या फिर उन्हीं के स्तोत्र का पाठ करते हैं या प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं के स्रोत को सुनते हैं, जो भी है। बट यहाँ पर आपकी तरफ मुझे काली का प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग नजर आता है, ऐसा आपके पार्टनर को भी समझ में आता है, ठीक है, कि कोई ना कोई दैवीय ऊर्जा आपकी हमेशा मदद करती है। मैंने सुबह रीडिंग डाली है अपने सेकंड वाले चैनल पे कि आपके आसपास कौन सी दिव्य शक्तियां मौजूद रहती हैं जो आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करती हैं, आपका ध्यान रखती हैं। जिन्होंने भी नहीं देखी है वो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर स्पिरिचुअल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग देखने जा रहे होगा इसे सब्सक्राइब कर देना चैनल को। यहाँ पर ऐसा नजर आता है गाइस जैसे आपके पार्टनर को ये उम्मीद थी कि आप वेट करेंगे इस पर्सन का, ठीक है, या यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है यस, यहाँ पर ये ऐसा इनको लग रहा है कि इनको ऐसी उम्मीद थी कि आप इनका वेट करेंगे। ऐसा नजर आ रहा है किसी किसी दिल की धड़कन देखी है ना आपने, वो ऐसे 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 जो बंदी है कुछ उस तरीके की भी यहाँ पर एनर्जी है, जैसे किसी की दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं एकदम, आप समझ सकते हैं वो एनर्जी की, कोई बहुत छटपटाहट में है, किसी के दिल में बहुत मतलब इस चीज से बहुत फर्क पड़ रहा है, उसे धड़कनें उसकी तेज हो रही हैं, ठीक है, कि वो अपने काउंटर पार्ट को कहीं और जाने, मतलब जाते हुए देख रहा है या फिर उसके मन में डर आ गए हैं कि वो कहीं और चला जाएगा। ये डर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज, खोने के डर में बहुत लोग के पार्टनर यहाँ पर हैं, ठीक है। पहले ये डर आपके अंदर था लेकिन अभी ये डर आपके पार्टनर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर एस लेटर है, यहाँ पर मुझे आउल नजर आ रहा है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी नजर आता है गाइस जैसे आपके पर्सन बहुत ज्यादा अबंडेंस में फंसे रहे या बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ही देखते रहे और अपने इंट्यूशंस को इस पर्सन ने फॉलो नहीं किया। एंड मतलब वो टाइम होता है ना कि आपको टाइम मिला है, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर लें, आप एक चांस ले लें, बट मुझे लगता है कि आपकी पर्सन ने वो चांस नहीं लिया। यहाँ पर इसी चीज को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी गाइस, ठीक है, बहुत वीक पड़ गए थे आप, इस तरह की भी एनर्जी नजर आती है जैसे आपका पार्टनर सोच रहा है कि जो इनकी स्थिति है
जब ये सेम चीज या फिर इस सेम डर से जब आप निकले थे तो आपकी क्या हालत हुई होगी? बिकॉज मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील होती है उससे ऐसा लगता है कि आप में बहुत वीकनेस आ गई थी, ठीक है? लिटरली आप अपनी आपकी हेल्थ गिरी होगी बहुत ज्यादा, 7-8 किलो तो वजन आपका वैसे ही कम हुआ होगा टेंशन के चक्कर में, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। ऑल्सो आपके हेल्थ पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिला था उस जगह पर। तो ये आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हो, सकता है उस समय इन्होंने आपको देखा हो, नोटिस किया हो, बट आपकी स्थिति, एक्चुअल स्थिति, आपकी एक्चुअल कंडीशन ये पर्सन समझ नहीं पाए। राइट नाउ ये खुद उस सिचुएशन में है तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपके ऊपर उस वक्त क्या बीती थी, या फिर अचानक से आपका इतना वेट लॉस क्यों हुआ था, या अचानक से आपकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई थी, आपके आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स, या फिर आपकी बिल्कुल होंठ काले पड़ जाना, इस तरह की जो एनर्जी है ना, ये डर की एनर्जी होती है जब डर सरफेस आता है। ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस, जिनसे रेजोनेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई जिनके यूनियन हो रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे व्यूअर्स जब आकर लिखते हैं कि मैम बहुत लंबे टाइम से हम जो पेशेंस बनाए हुए थे उस पेशेंस का रिजल्ट मिल गया। लेकिन एक चीज है, जिन लोगों ने भी, जिनके भी रिजल्ट आए ना, उन्होंने वो काम किया था जो मैंने उनको बोला था, वो सिर्फ शांत शांत नहीं बैठे थे, ठीक है? वो शांति से अपना काम करते चले गए थे। कहते ना कि दुख और तकलीफ और कुछ भी आपकी लाइफ में कितना भी क्यों ना आए, कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो हमेशा अपना कर्म करते रहे, वो हमेशा वो सारी चीजों को फॉलो करते रहे जो गाइडेंस आती गई। एंड अब उनके पेशेंस का जो रिजल्ट आया है ना, उनके पार्टनर ऐसा बदले हैं कि वो खुद ही सोच सोच कर ऐसे, मतलब कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखते हैं कि हमको भरोसा नहीं हो सकता था कि हमारे पार्टनर इतना चेंज हो गया। इस तरह की कमेंट भी आ रहे हैं इस वक्त में। तो भाई यूनियन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी है गाइस, मैरिड लोगों के लिए भी ये मैसेज है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबा जैसे आपका कनेक्शन चला है, लेकिन आप आपकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो जैसे आपकी जब एज नई होती है तो आपके पेरेंट्स भी कहीं और आपके लिए रिश्ता देखने लगते हैं, ठीक है? तो इस तरह की भी अगर आपके साथ सिचुएशन बन रही है तो मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस के हो सकता है कि आप, हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे भी हों जो जिनका छोटा सा बच्चा भी हो, ठीक है? उनकी भी मैरिज की अगर बात चल रही है तो ये कुछ इस तरीके का मैसेज भी निकल कर आ रहे हैं। ऐसा लगा है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई समझा रहा है, आपको कोई आपके पार्टनर के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इस पर्सन के मन में डर आ गया है, मतलब इस वक्त में ऐसी सिचुएशन है कि आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि आप उनकी नहीं सुनेंगे, आप किसी और की सुन रहे हैं, और आपको कोई और जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आपको कोई और है जो आगे बढ़ने के लिए मतलब प्रेरित कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप इस वक्त में अपने पार्टनर की सुनने के मूड में भी नहीं है। मतलब मैसेजेस ये मिल रहे हैं जैसे आपके पर्सन को भरोसा नहीं है आपके आसपास रहने वाले लोगों पर, उनको ऐसा लगता है कि वो आपको उनसे दूर कर देंगे, ठीक है? ये बिल्कुल उलट एनर्जी आई है। इस एनर्जी में अक्सर मेरे व्यूअर्स को मैंने देखा है, जो एनर्जी आज मुझे आपके पार्टनर में नजर आई है। लेट्स सी की कमेंट्स, लेट्स सी की आपके लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं आज के दिन में। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है?
गाइस बहुत डार्क एनर्जी आई है आज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आई है। कार्ड देखिए, मून का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ शॉर्ट्स है, 5 ऑफ कॉइंस है, 9 ऑफ वैंड्स है एंड 4 ऑफ कॉइंस है। मतलब ये सारे ही कार्ड्स एक ही तरीके की बात कर रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा डर में, छटपटाहट में मतलब ये वो वाली एनर्जी है जहां पर आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहे क्या फिर क्या करें। और इस वक्त में जो डिसीजन है वो भी आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है, तो आपको समझ में नहीं आ रहे कि वो डिसीजन लेने से कैसे रोका जाए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। यहाँ पर मून का कार्ड आया है, मून हमेशा ही ना मन का कारक होता है, और चंद्रमा जो है वो अगर आपके बर्थ चार्ट में बली नहीं है तो बहुत इंसान मानसिक तौर पर हमेशा पीड़ित ही रहता है। ठीक है, तो हमेशा ही जिनके भी बर्थ जो अक्सर करके मेंटल इश्यूज होते हैं जिनको, या फिर जो बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा देखते हैं, ठीक है, मन से बहुत दुखी रहते हैं, हमेशा मन से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, गंदे विचार उनके मन में चलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गलत विचार चलते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस तरीके के लोगों के बर्थ चार्ट में ऐसा देखा गया है कि मून अफेक्टेड होता है बहुत ज्यादा। सो अगर आप न्यू मून फुल मून पर बहुत मेडिटेशन करते हैं, और आप मेडिटेशन की आदत तो हमेशा ही के लिए डाल लीजिए जिनका भी मून स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन है जो आपको शांत शांत करता है और क्लैरिटी देता है। यहाँ पर आपके पर्सन की बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त में, और न्यू मून के बाद मुझे खास तौर से ये नजर आ रही है अभी जो न्यू मून गया है क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कॉइंस की भी एनर्जी है। इस कार्ड में भी मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कोई अपने सही टाइम का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रगल है उसकी लाइफ के अंदर, बर्फ में बैठा हुआ है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की, और उसके पैर बहुत ज्यादा लाल हो गए हैं ठंड के मारे, ठीक है। तो मुझे एनी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन इस वक्त में बहुत ज्यादा आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं एंड बहुत स्ट्रगल हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में। ऊपर से बाहर की तरफ तो चीजें खराब है ही, मन से भी ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लगातार कुछ चीजों को लेकर इस पर्सन के अंदर रिग्रेट की भावना है। ठीक है, एक तो पहले जो रॉन्ग चॉइसेस बनाई उस चीज को लेकर रिग्रेट है, अब चॉइस आपके हाथ में आई है तो आप कहीं कोई गलत चॉइस ना बना लो, इस चीज का डर इस पर्सन के मन में है, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। फिलहाल ऐसा नजर आता है कि जो सिचुएशन बनी हुई थी पास तक इस पर्सन की, ठीक है, वो सिचुएशन बहुत ज्यादा, मतलब वो डरावनी जो सिचुएशन होती है ना जहां पर आप किसी को खोना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन लगातार आपको इस तरीके से डर में आप जी रहे हो कि कहीं, मतलब कहीं और कोई और ना चला जाए उसको लेकर, या समथिंग लाइक दैट, इस तरह की जो एनर्जी है। इसी छटपटाहट में मैंने बहुत सारे व्यूअर्स को 1 साल के अंदर देखा है जिनके पार्टनर को उन रिश्ते दिखाए जा रहे थे और उनका पार्टनर कोई एक्शन में नहीं था, ठीक है। अभी फिलहाल वो सेम एनर्जी में बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं जहां पर ये है कि आप किसी और के साथ मैरिज करने जा रहे हैं, या फिर उनको ऐसे मन में डर लगे हुए हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, ये भी कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से बात करती है, ये एनर्जी में भी ऐसा नजर आता है जैसे डार्क है हर जगह, और ये लड़की अकेली है और वहां पर बाकी सारे जो लोग हैं वो इसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी डर की एनर्जी है, ठीक है। और इंसान के इतने सारे स्केलेटन्स के बीच में ये मुझे अकेली लड़की नजर आ रही है, तो यानी अकेलापन, ठीक है, तो कोई डरा हुआ है और अकेला है बहुत ज्यादा, उसे जरूरत है इस वक्त में सपोर्ट की, ऐसा मैसेज मिल रहा है, ठीक है। और रिग्रेट की एनर्जी बहुत है, पास की हुई गलतियों में रिग्रेट बहुत ज्यादा निकल कर आया है। 9 ऑफ शॉर्ट्स का भी कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर जिस तरीके के फैसले हो रहे हैं ऐसा नजर आता है जैसे इनको ऐसा लगता है कि परमात्मा आपके हक में फैसला डाल रहे हैं, ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा पॉजेसिव भी हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि जब मैंने पहले भी बोला था, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मेरा पार्टनर आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन पहली चॉइस आपके पार्टनर के हाथ में डाली थी यूनिवर्स ने, ठीक है, उन्होंने जो किया वो उनका एक्शन जो था वो उनका था, अब आपके हाथ में होगा कि आपको क्या एक्शन लेना है, कोई आपको और आपके पार्टनर को फोर्स नहीं करता है, आपका एक्शन होता है, बाकी आपके एक्शन के अकॉर्डिंग जो फल है वो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हमेशा ही लाइफ के अंदर
जैसा आपका एक्शन होगा वैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो जैसा आपके पार्टनर का एक्शन था वैसे उनको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा एक्शन आप लेंगे वैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये हमेशा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉलो योर इंट्यूशंस। नहीं समझ में आ रहा है तो परमात्मा से पूरी गाइडेंस लो, उनको अपना पूरा सहयोगी बनाओ, ठीक है। लेकिन गलत डिसीजन मत लो लाइफ के अंदर अपने पार्टनर की तरह, ठीक है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा इल्यूजन्स में फंस जाते हैं तो गलत डिसीजन ले तो लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको ही फिर फेस करना पड़ता है। आपके पार्टनर की एनर्जी इसी तरीके की निकल कर आ रही है आज के दिन में। अल्फाबेट्स देख लेते हैं हम। UOVE JSBD ये कुछ लेटर्स निकल कर आए हैं। ओके मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। आई सी यू इन माई फ्यूचर, आई लव यू, ये पर्सन अपने फ्यूचर में आपको देख रहे हैं, ठीक है। आई लव यू, और यहाँ पर ये मैसेज भी दे रहे हैं, इट जस्ट स्केयर्स मी टू फील सो मच फॉर यू। ये पर्सन जितना आपके लिए फील करते हैं, ये पर्सन इस चीज से बहुत डरते हैं, जितना ज्यादा ये आपके लिए फील करते हैं अपनी फीलिंग से डरते हैं। वी वर ऑलवेज मेंट टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, लगता था, ठीक है, कि आज भी लगता है आपके पर्सन को ऐसा कि आप दोनों मिलने के लिए बने हैं और ये रिटर्न स्टार्स पर लिखा हुआ है, मतलब ये लिखी हुई बात है कि आप मिलने के लिए बने हैं। एक तरफ इस पर्सन को विश्वास है लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति सामने आ रही है ये पर्सन के मन में बहुत ज्यादा डर आ गए हैं, ऐसा इनको मैसेज मिल रहा है। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।